इस समय हमारी टीम जनपद रायबरेली में है, जनपद रायबरेली के केवलपुर माफी ग्राम सभा में, सलोन विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है। इस ग्राम सभा के प्रधान कमलेश कुमार से बातचीत करेंगे हम, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद मेरा नाम कमलेश कुमार पटेल है, मैं ग्राम सभा के और माफी का प्रधान हूँ इस समय। कितने वोटों से जीते आप? सर मैं 39 वोट से जीता। 39 वोट से जी। कायाकल्प योजना में क्या क्या काम कर रहे हैं? कायाकल्प में हमने सर ये आप जहाँ बैठे हैं देख ही रहे हैं, सचिवालय को हमने मिनी सचिवालय ऑप्टिकल फाइबर है यहाँ बिल्कुल नेट काम करता है जी, पंचायत सहायक है जी जी। इसके बाद स्कूलों में, स्कूल में हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्रेजेंट टाइम, 15-20 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा बंद। प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय दिव्यांग शौचालय बाउंड्री, हाँ वो सारे काम चल रहे हैं। किचन शेड जी। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय सर हमारे यहाँ बना हुआ है लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है, इसके कारण वो चल नहीं पा रहा है। रास्ता न होने के कारण डिस्पोज है जी। इसके लिए किसी से कंप्लेन किया आपने? इसके लिए हमने SDM साहब को भी लेटर भेजा था, DM को भी भेजा, तहसीलदार को भी हमने जानकारी दी। नेटपाल ना आने की वजह से वो जमीन का रास्ता विवाद साफ नहीं हो पा रहा है। जब सामुदायिक शौचालय बना है जी तो क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा? नहीं, वो बना उस समय क्या वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं? नहीं, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। बना तो सरकारी जमीन में है लेकिन उसके अगल बगल जो है घूमघिरी जमीन है लोगों की, तो लोग जो है अपनी जमीन से रास्ता दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? अब सर उनकी जमीन है, वो लोग कह रहे हैं हम अपनी जमीन से रास्ता देंगे नहीं, जिसके कारण शौचालय चल नहीं पा रहा है। जब सामुदायिक शौचालय बना था तो तब वो इस्तेमाल हो रहा था? तब वो पड़ती पड़ा था जमीन, तो पूरा रास्ता ही रास्ता था लेकिन बन जाने की वजह से या आपसी ये सब समझ लीजिए कि पार्टी की वजह से वो लोगों ने रास्ता बंद कर लिया, गांव की गुटबंदी की वजह से। हाँ, गांव की गुटबंदी समझ लीजिए आप। तो इस संबंध में आप जिलाधिकारी के पास गए? हमने लेटर भी दिया जिलाधिकारी को, हमारे यहाँ तहसील दिवस में जिलाधिकारी साहब आए थे, उनको हमने हैंड टू हैंड लेटर भी दिया। उन्होंने क्या कार्रवाई? कुछ भी नहीं हुआ, लेटर तो ले लिया हमने, मुँह से भी अपनी सारी समस्या बताई उनको, उसके बाद फिर कोई आया ही नहीं। नापी के लिए हल्का लेखपाल से कहा उन्होंने? हमने हल्का लेखपाल से उन्होंने भी कहा, SDM साहब से भी कहा है, हमने भी कई बार फोन किया लेकिन नहीं आ रहा है।